उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। अगर जनपद फिरोजाबाद की बात की जाए तो सबके लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा को लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद सदर सीट से टिकट दी है, पर टिकट मिलते ही विधायक जी ने चुनाव प्रचार में और तेजी ला दी है। लेकिन विधायक जी टिकट मिलने की खुशी में इतना मदहोश हो गए कि वह चुनाव आयोग द्वारा दी गई कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करना भूल गए। विधायक जी दर्जनों की भीड़ के साथ थाना उत्तर के सुदामा नगर और सत्यनगर में बिना मास्क के जनता के बीच अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जबकि इस चुनाव में आयोग ने कोरोना गाइडलाइन के तहत केवल 5 लोग ही घर तक चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। लेकिन विधायक जी सत्ता में हैं तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा, इस बात को सोचते हुए शायद वह जनता के बीच बिना मास्क के ही जा रहे हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।